अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद फराज, अहमद वीडियो टूटोरियल से एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे सर्वे डाटा को कैसे ऑटोकैड में इंपोर्ट किया जाता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ टू इंपोर्ट सर्वे डाटा इन ऑटोकैड 2020। तो जो हमें सर्वे डिपार्टमेंट से ड्राइंग जो मिलती है, डाटा मिलता है, वो TXT शेप में मिलता है, जो कि नोट पैड की फाइल होती है। तो इस नोट पैड की फाइल मैं ओपन करूंगा तो इस फाइल में नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन होगा। इस फाइल को हम सबसे पहले CSV फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं जाऊंगा यहां पे फाइल पे, सेव एज, और .txt को मैं रिमूव करके यहां पे CSV टाइप कर दूंगा और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद इस नोट पैड की फाइल को मैं बंद कर देता हूँ और वो CSV फाइल जो है हमारे पास ये बन चुकी है। अभी इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये हमारे पास डाटा जो है वो एक्सेल में आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारा का सारा डाटा जो है वो मतलब एक ही कॉलम में है, जिसमें नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन है। सबसे पहले हमने इसको सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले क्लिक करेंगे डाटा के टैब पे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। जो हमारे ये तीन जो इकट्ठे हो चुके हैं, नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन, इसको हम अभी सेपरेट सेपरेट कॉलम में लेके जाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट, फिर हम इस फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो एक कॉलम था वो अभी तीन कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो फर्स्ट कॉलम में हमें नॉर्थ मिलेगा, सेकंड में ईस्ट और थर्ड में एलिवेशन। तो अभी हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू कंकैटेनेट, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, डबल क्लिक कर देंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें फर्स्ट वैल्यू वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वैल्यू, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू, और उसके बाद हम ये रेकॉर्ड बंद कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास तीनों वैल्यू जो हैं वो इकट्ठी आ गई। लेकिन इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, अभी नॉर्थ के बाद कॉमा है, फिर ईस्ट के बाद कॉमा है, उसके बाद फिर एलिवेशन है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे डबल क्लिक कर दूँगा। अगर तो डबल क्लिक होने से वो नीचे जा रहा तो आपको मैनुअल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ से। ये हमारा डाटा जो यहाँ पर आ गया, इसको हम अभी यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद ऑटो कैड में जाएंगे, न्यू फाइल, ऑटो कैड में आके हम सबसे पहले जाएंगे ड्रॉ में जाके यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे पॉइंट्स के बाद मल्टीपल पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी करेंगे, और उसके बाद जेड इंटर और ई इंटर कर देंगे। ये हमारे पास सर्वे डाटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट में, पॉइंट स्टाइल, पॉइंट स्टाइल में आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसका जो है सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट क्लिक करें, और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल मैं 0.5 देता हूँ, तो इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट साइज में तमाम पॉइंट्स आ चुके हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्थ, ईस्ट और उसकी जेड एलिवेशन जो है, जेड वैल्यू जो है जिसको हम एलिवेशन कहते हैं, वो आपको मिलेगा। तो ये जो था तरीका था हमारा कि
txt फाइल को कैसे AutoCAD में इंपोर्ट करते हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया।